या हमारे देश की फेलियर से हुआ, निश्चित तौर से सरकार की नाकामियों से हुआ। देश में राष्ट्रवाद के नाम से पूरी दुनिया, पूरा देश इनके खिलाफ है और इसका जवाब इनको 25 तारीख को यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के जाना ही पड़ेगा। कहते हैं कि दिल्ली की जो राजनीति है उसमें लोग विकास की बात करते हैं जी, जात पात से ऊपर उठ के बात करते हैं, तो यहाँ पर दलितों की बात लेकर जब आप यहाँ पहुँचे हैं तो आपको लग रहा है कि कुछ परेशानी होगी आपको यहाँ से? मेरे को यहाँ से कोई परेशानी नहीं होगी। पूरे देश में दलितों की बात सुनी जाती है, पूरे देश में बहुजन समाज की बात सुनी जाती है। ये बात नहीं सुनते, ये सिर्फ गुमराह करते हैं। मेरे को यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरे पूरी दिल्ली का मेरे को अपार जो है समर्थन मिल रहा है, जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं है उन लोगों का भी मेरे को समर्थन मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि साहब आप यहाँ से जो है दिल्ली में अच्छा करिए, जाति और धर्म का भेद मिटाइए, यहाँ से शुरुआत करिए। और निश्चित तौर से हम यहाँ से शुरुआत करने जा रहे हैं, दिल्ली में ऐसी शुरुआत करने जा रहे हैं कि देश में जाति और धर्म के नाम पे जो ये करवाते हैं दंगे, वो आगे से बंद हो जाए। राजवीर सिंह जी, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आपको लोग क्यों चुने? हमारे को इसलिए चुने कि जो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार ने जो 5 साल में कारनामे करे हैं उनको देखते हुए जनता हमारे को चुनेगी। बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार अपनी सरकार बना के ये साबित करा कि बहुजन समाज की जो सरकार है वो निश्चित तौर से पूरे देश के लिए, सर्व समाज के लिए, माताओं बहनों के लिए, रोजगारों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए। जय जवाहर। राजवीर सिंह जी, आपके पास ना मीडिया है ना प्रेस है, अपनी बात जनजन तक कैसे पहुँचाएंगे? हमारी बात हम एक एक घर में जाके पहुँचा रहे हैं, पूरा बहुजन समाज जाके पहुँचा रहा है, पूरे जो BSP के वॉलंटियर वो एक एक घर में जाके पहुँचा रहे हैं। मीडिया भी हमारे साथ है, मीडिया बंधु साथ है। कई कई जगह इनको सरकार रोकती है, परेशानी आती है, लेकिन सच को ये भी बीच बीच में जरूर दिखाएंगे, ऐसी हमारे को उम्मीद है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट लगता है आपके चुनाव पर पड़ेगा? सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारे चुनाव में पूरा पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मीडिया भी हमारे को सच को इनको दिखाना ही पड़ेगा, जरूर दिखाएंगे, क्योंकि तीसरी आंख मानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी का दबाव बढ़ रहा है तो लगता है स्ट्रीम मीडिया भी बहुजन समाज पार्टी को दिखा रही है? बहुजन समाज पार्टी को जरूर दिखाएगी, बहुजन समाज पार्टी का दबाव ही नहीं बढ़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ से निश्चित तौर से विनिंग होके जा रही है। यहाँ जितना जन समूह है ये साबित कर रहा है कि हम यहाँ से विनिंग हो रहे हैं। मोबाइल निकाल दो अपना। अभी थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ थोड़ा सा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अमर रहे अमर रहे। मैं जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं, एनजी हमारे साथ हैं, आज भी की संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं, आज भी की संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन जी संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष करो, बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी, राजवीर जी संघर्ष करो, राजवीर जी संघर्ष करो, राजवीर जी संघर्ष करो।
किधर से कैसा हो भाई, कैसा हो चकला जय।
साथ है, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। दलित मुसलमान करो विचार, अब तक कहो के अत्याचार। दलित मुसलमान करो विचार, अब तक कहो के अत्याचार। दलित मुसलमान करो विचार, अब तक कहो के अत्याचार। अत्याचार मिटाना है, बीएसपी आई है, नई रोशनी लाई है। बीएसपी अत्याचार मिटाना है, बीएसपी को लाना है। अत्याचार मिटाना है, बीएसपी को लाना है। अत्याचार मिटाना है, अत्याचार मिटाना है। ओए पापा कहाँ जा रहे? गुलजार भाई जी क्या? अरे झंडा पीछे करो,